बोलिवार BNA 24 से आइए चलते हैं आशिक शाह माशुक शाह दरगाह के खादिम जुबेर साहब की तरफ। यहाँ एक ऐसा जलसा जो हर साल 26 जनवरी को आसपास के पूरे विदर्भ के 11 जिले के लोग यहाँ पे इस बाबा साहब के पास आते हैं, लोगों की मुरादें पूरी हो रही है और लोगों का यहाँ पे तांता हजारों की भीड़ में बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए हमारे जुबेर साहब जो यहाँ के खादिम में पुजारी है तो इनसे हम चर्चा करते हैं कि जुबेर साहब आपका ये परिवार और बाबा सरकार की खिदमत में आप कब से और आपके परिवार जो कहते हैं कि 1892 से आप खिदमत कर रहे हैं तो ये खिदमत कौन कर रहा है, ये आपके परिवार से कौन है उनका नाम बताइएगा और यहाँ की जानकारी आशिक शाह और माशुक शाह के बारे में भी थोड़ी जानकारी लोगों तक पहुँचे ऐसे हम गुजारिश करते हैं आपसे। जी सबसे पहले मेरा तमाम आपके चैनल BNN के देखने वाले तमाम दर्शनार्थ न्यूज़ के श्रोताओं को मेरा सलाम आदाब सत श्री अकाल नमस्ते। मेरा नाम अब्दुल रहमान और जुबेर अली है, मैं यहाँ परंपरा पुजारी हूँ, नवी पीढ़ी पर हूँ मैं। बाबा सरकार का नाम जो है हज़रत आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह है, आप दोनों भाई हैं, आप बड़े भाई पेड़ वाले, छोटे भाई माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप आशिक शाह माशुक शाह दो भाई हैं। आपका यहाँ ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीदों में से हैं और बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीदों में से हैं और 1892 का रिकॉर्ड अवेलेबल है। उस 1892 के रिकॉर्ड के अंदर में ये मेंशन है कि यहाँ उर्स हो रहा है, अब ये कब से हो रहा है ये नहीं पता। 1892 के रिकॉर्ड में मेंशन है कि उर्स हो रहा है, मस्जिद भी है और दरगाह भी है, ये सब मेंशन है उसके अंदर में। अब ये कब से हो रहा है इसका रिकॉर्ड अब आगे तलाशना पड़ेगा। और हमारा वंशी यहाँ पर नवी पीढ़ी पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरे आजा पनाजा मेरे दादा परदादा सब लोग यहाँ पर खदमत करते आ रहे। नौ पीढ़ी से जुबेर अली साहब जो यहाँ के खादिम हैं, नवी पीढ़ी 1892 का प्रमाण पत्र 1892 से प्रमाण रखते हैं कि यहाँ पे उर्स हो रहा है और इसके साथ साथ हर साल ये जलसा देखने को मिल रहा है। क में जो शासन के मुताबिक क इनका जो प्रमाण होता है उसमें रहने के बावजूद भी 2008 से इन्हें शासन की तरफ से या यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र का जो भाग है उनकी तरफ से अब तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी जब तीर्थ क्षेत्र घोषित है उसके बावजूद भी इनको क प्रमाण पत्र मिलता है और उनको मदद नहीं मिलती, ये बड़ी दुख की बात है। तो जुबेर अली साहब इस बारे में मदद ना मिलने के बावजूद भी आप इतना अच्छा जलसा करवाते हो करते हो, बाबा साहब के मतलब आशीर्वाद ही कहेंगे कि बाबा साहब की मर्जी से इतना अच्छा काम होता है, तो इस बारे में और ज्यादा क्या बोलना चाहेंगे या क्या शासन से मदद चाहते हैं आप? जी अपनी कोई औकात नहीं है, बस बाबा जान की मेहर और अल्लाह ताला की रहमत है कि ये काम हो जाता है। बस हम तो धूल के कण भी नहीं है कि जो हम ये काम कर पाए, बस सरकार की नजर इनायत है, अल्लाह ताला का लुत्फ करम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल में ये काम हम कर लेते हैं। और सभी मेरे अकेले से नहीं, सभी तमाम जो दरगाह के बाबा जान के चाहने वाले ये सूफी संत पीर फकीरों का भारत है, इनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके साथ में कंट्रीब्यूट करके कर लेते हैं हम। और मैं गुजारिश करूंगा कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से तीर्थ क्षेत्र स्थल वर्ग क में इसको 2008 से मान्यता प्राप्त है, शासन प्रशासन की तरफ से आज भी यहाँ एक रुपए का भी फंड नहीं दिया गया है। यहाँ हजारों की लाखों की तादाद में भीड़ आते हैं, महिलाओं के लिए सबसे पहले यहाँ शौचालय नहीं है। आज पुलिस कर्मचारियों का स्टाफ बैठा है, उनके जाने के लिए भी उनको जैसे किसी को अगर यहाँ पर न बना हुआ शौचालय है, न पीने के पानी की ढंग से व्यवस्था है, न प्रॉपर लाइट्स है, न ढंग से रोड है। सबसे पहले तो रोड की डिमांड करूँ कि सभी लोग यहाँ पर आके हमसे गुजारिश करते हैं कि रोड कब बनेगा। आज हम बचपन से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि रोड नहीं है, रोड के लिए कई बार लेटर हो चुके हैं, रोड नहीं है, बराबर प्रॉपर लाइट्स नहीं है, झाड़ पेड़ पौधे नहीं है, आप काफी असुविधा यहाँ पर है, असुविधा का भाव यहाँ पर है। तो मैं शासन प्रशासन से आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारा तीर्थ क्षेत्र स्थल वर्ग क का फंड जो 2008 से जो लहे लागू उसको पूरा पूरा दिया जाए यहाँ पर। बाबा की टेकड़ी इस नाम से आशिक शाह माशुक शाह बाबा ये टेकड़ी वाले ऐसा कहते हैं, परंतु टेकड़ी के आसपास में जितने झाड़ होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए, रोड होने चाहिए, पानी होना चाहिए, आने वाले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आशिक शाह माशुक शाह बाबा के दरगाह में आते हैं। सभी धर्मों के लोग आने के बावजूद भी अगर शासन के माध्यम से किसी प्रकार का पानी बिजली
और जो भी सुविधाएं रोड के किनारे पथदीप जिसे कहते हैं ये सब मिलनी चाहिए थी, रोड मिलना चाहिए था, पानी मिलना चाहिए था, आने जाने के जो रास्ते के लिए प्रशासन के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं ये सुविधा देखने के लिए, ये जलसा देखने के लिए, जलसे की सुविधा भी बराबर है या नहीं है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो यहाँ के सरपंच, यहाँ के सभापति, ये एरिया के जो भी हमारे आमदार है जिनके जिनके हक में है कि ये कुछ कर सकते हैं, तो उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ के लिए कुछ करें, और हमारे जुबैर अली साहब भी चाहते हैं कि यहाँ के लिए कुछ करें। तो आप आमदार साहब से कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कौन है आपके आमदार साहब? हमारे आमदार साहब जी जनाब समीर मेघे जी, बहुत ही प्यारे व्यक्ति है, बहुत ही उनका अच्छा व्यक्तित्व नेचर है और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से जैसे दूसरे जो जगह का काम कर रहे हैं उसी तरह से ये इस स्थल का, इस तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी काम करे, और इस तीर्थ क्षेत्र स्थल को आपके अपने सौभाग्य के अंदर में लेकर और भी उनका नाम रोशन करे। जिस तरह से ये सूफी संत फिर फकीरों का भारत है, सब धर्म के मानने वाले चाहने वाले इस जगह पर आते हैं, तो सभी लोगों की डिमांड ये भी है कि भाई इस क्षेत्र के आमदार कौन है, उनके हाथों से शुभ काम कार्य किया जाए। आज के ये शुभ अवसर पर जुबैर अली साहब ने अपनी मांग रखी शासन से, यहाँ पे उपस्थित जुबैर अली साहब के साथ हमारे महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ इरफान खान साहब, फहीम भाई, फरीद भाई और हमारे फारूक भाई, ये पूरी टीम और भी हमारे पत्रकार भाई यहाँ पे और भी दूसरे प्रेस के भी आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी इनकी बातों को काफी दूर तक पहुँचाएं, शासन तक पहुँचाएं, यहाँ के ग्राम पंचायत के जो भी नगर सेवक है उन वहाँ तक पहुँचाए, और उन लोगों से गुजारिश करें, पेपर के वर्तमान पत्रों के माध्यम से गुजारिश करें कि या कुछ तो सुविधा दे। धन्यवाद। मैं कमल नामपल्ले।